ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। प्रदोष के दिन गुरु जी ने करने वाला उपाय जो बताया है अपनी कथा में, वही हम उसको सुनकर अच्छे से समझकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उपाय आप जरूर करें। तो आइए जानते हैं इस उपाय में आपको क्या करना है। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किस सामग्री की जरूरत होगी आपको बताते हैं। आपको चाहिए होगी, ये देखिए, 7 बेलपत्र। बेलपत्र अच्छे से ये देखिए धो लिए, बिल्कुल भी कटी फटी नहीं है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि शिव जी की पूजा में कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ती है। इस तरह से बेलपत्र ले। ये सूत है जो कि बर्मावस या आमला नवमी या जिसमें जो हम लोग लपेटते हैं ना, कच्चा सूत है ये, ले जाना। ये सफेद कलर का भी आता, पीला भी आता, जैसा आपके पास हो वैसा आप ले सकते हैं। ये है लाल चंदन। लाल चंदन लेना है, ये मैंने घिस लिया था पहले। तो आपको क्या करना है, जितनी ये पत्ती हैं, सारी पत्तियों पर एक एक करके इस वाली बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाते जाए इस तरह से, और पत्ती इस तरह से बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाते जाए, और सारी पत्तियां आपको एक साथ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से एक एक करके सातों पत्तियां आपको इस तरह से कर लेनी है। बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाते जाए और ये पत्ती इकट्ठी करती जाए। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने सातों पत्तियां इकट्ठी कर ली हैं इस तरह से, और सब पे देखिए चंदन लगा लिया। उसके बाद ये जो डंडी है ऐसे पकड़ ली, इकट्ठी हो गई है। इस डंडी को इस सूत से, ये सूत है, इससे हम बांधेंगे। ये देखिए अच्छे से, कच्चा सूत है तो आराम से लपेट जाएंगी। इस तरह से सारी पत्तियां लपेट लेनी है। लपेटने के बाद क्या करना है, ये पत्तियां ले जाकर हमको शिव जी पर इस तरह से समर्पित कर देनी है। ये सारी पत्तियां जब आप समर्पित कर दें, जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस बच्चे के लिए हो, जिसके जो भी हो, वह मनोकामना आपको कहनी है, अपने मन में रखनी है और बाबा से विनती करनी है। और ये सारी जो भी आप पत्ती चढ़ा रहे हैं, बाबा को ध्यान करते हुए चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाएं। आप 1 से 2 प्रदोष करेंगे, आपकी मनोकामना बाबा अवश्य पूरी कर देंगे। कर्जा नहीं उतर रहा होगा, कर्जा चूक जाएगा। पढ़ाई अगर नहीं होगी, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार जो भी मनोकामना है वह इस उपाय से अवश्य पूरी हो जाएगी। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है, और यह उपाय आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। ओम नमो शिवाय।